सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जयश्री, मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर को स्क्वायर साइज के काट के, दो प्याज बारीक कटा हुआ, एक प्याज क्यूब साइज में कटा हुआ, एक शिमला मिर्च को बड़े साइज में काटा हुआ, चार टमाटर बड़े साइज में कटा हुआ, 10 लहसुन की कलियां, एक इंच अदरक के टुकड़े, 8 काजू, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, रिफाइंड तेल, साबुत दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, दो छोटे पीस बटर, बारीक कटा हुआ धनिया, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, चार साबुत लाल मिर्च और फ्रेश क्रीम। सबसे पहले हमें इसको भूनना है। ये धीमी आंच में हम इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। ये हमारा भून गया है, अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। देखिए, हमने इसका एक दरदरा पाउडर बना लिया है, इस तरह का। हमने कढ़ाई पे तेल रख दिया है और तेल भी गर्म हो गया है। अभी हम पनीर को उसमें फ्राई करेंगे। पनीर को हमने हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है, अभी इसको एक प्लेट में निकालेंगे। अभी हम इस पनीर को एक ठंडा पानी में डालेंगे। पानी में डालने से पनीर बहुत अच्छा सॉफ्ट बन जाएगा। अभी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल ले लिया है। अभी इसमें प्याज डालेंगे जो क्यूब साइज में काट के रखा था। अभी उसको फिर उसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे। 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। दो मिनट बाद हम टमाटर को डालेंगे और इसको भी हम फ्राई करेंगे। अभी ये हमारा फ्राई हो चुकी है, अभी हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, फिर बारीक कटा हुआ जो प्याज रखा था वो डालेंगे। और अदरक लहसुन के टुकड़े डालेंगे और 2 मिनट इसको भूनेंगे हम। दो मिनट भून चुका है प्याज, अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे। फिर काजू डालेंगे, अभी नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। फिर और 2 मिनट इसको भुनना है। अभी ये तैयार हो गया है, अभी हम इसको ठंडा करेंगे, फिर मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। हमने कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल भी गर्म हो चुका है। अभी ये साबुत मसाले इसमें डालेंगे। ये मसाला का, साबुत मसाला का फ्लेवर तेल में आ गया है, अभी इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि जब मुंह में आ जाएगा सब्जी खाने के टाइम तो अच्छा नहीं लगता है। अभी हम ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था इसमें डालेंगे।
अभी हम इसमें आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये जो धनिया और काली मिर्ची का जो पीस के रखा था हमने वो मसाला डालेंगे आधा चम्मच, फिर इसको ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुकी है। अभी इसमें हम एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, एक मिनट उसको चलाएंगे, फिर ये हम पनीर को जो पानी से निकाल के रखा है अब इसमें डालेंगे और प्याज शिमला मिर्च और टमाटर को जो भून के रखा था वो भी डालेंगे। इन सबको मिलाएंगे, अभी हम इसमें डेढ़ चम्मच बराबर फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा थोड़ी देर हम पकाएंगे एक मिनट जैसा। अभी इसमें पानी डालेंगे, फिर पांच मिनट इसको पकाएंगे। इस कढ़ाई पनीर हमारी बन गई है, अभी इसको हम फिर से तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने दो पीस बटर कढ़ाई में डालेंगे। अभी हम चार साबुत लाल मिर्ची इसमें डालेंगे। लाल मिर्च फ्राई होने के बाद हम ये अदरक को इस तरह से हमने काट के रखा था वो डाल लेंगे। फिर इसको एक मिनट इसको हम पकाएंगे। इस तड़के को अभी हम पनीर में डालेंगे। गर्मा गर्म टेस्टी कढ़ाई पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो गया है। इसमें आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्ट मिलेगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नया वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।